10 साल बाद देश में किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला। जाहिर है केंद्र में गठबंधन की सरकार होगी। एनडीए को बहुमत का आंकड़ा जरूर मिल गया है, लेकिन एनडीए के किसी एक दल और नेता को लेकर अगर संशय है तो वो है नीतीश कुमार, जिन्हें सियासी पलटी मारने में महारथी माना जाता है। इस बार 12 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार के बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनसे बातचीत होने और डेप्यूटी पीएम का पद ऑफर होने की खबर सामने आई है। अब नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या फिर वो थामेंगे इंडिया अलायंस का दामन, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कब कब नीतीश पलटे अपने वादे से। नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए वो कब क्या फैसला लेंगे ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। उनके लिए कहा यह जाता है कि बिहार में सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं और बिहार में सरकार चला चुके हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन कुर्सी के लिए दोनों की सियासी राह अलग हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार कब कब पलटे। नीतीश कुमार ने 1998 में बीजेपी के साथ दोस्ती की, जो 2013 तक जारी रही। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया तो नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। नीतीश लालू यादव की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर दिया। महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर से सीएम बने तो तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम की कुर्सी संभाली। 2017 में नीतीश कुमार का अचानक मन बदला और उन्होंने सियासी पलटी मारी। जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद 2022 में फिर से सियासी पलटी मार ली। नीतीश ने बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़कर कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने सियासी पाला बदलने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। यही वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। शुरुआत में नीतीश कुमार देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे थे। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में हुई, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने फिर से पाला बदल लिया। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए संशय बरकरार है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे या एनडीए के साथ बने रहेंगे। एक ही प्लेन में साथ दिखाई दिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। लोगों को ये बात खटकने लगी कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट जाएंगे अपनी बात से और वो एनडीए को छोड़ बन जाएंगे इंडिया अलायंस का हिस्सा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर दीजिए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।